अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे से होंगे। दोस्तों मेरे को इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है एक चीज को लेकर के कि भाई मैं पकड़ा जाऊं तो अगर जो मेरे पास कामा नहीं है, मैं भाग करके काम कर रहा हूं, मैं पकड़ करके कितना दिन में जा सकता हूं, कितना दिन में भेज देंगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पैसा लगेगा कि नहीं, ब्लॉक कर देंगे सब, क्या करेंगे, मेरे पास कामा नहीं है। अब कितने लोगों के पास कामा है तो बोलते हैं कि भाई जा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मेरे को क्या करना चाहिए, कहां से कैसे जाना चाहिए, कैसे पकड़ाना चाहिए। तो इसी वीडियो में आपको सब जवाब मिल जाएगा। कुछ जो है इंडिया से लोग मैसेज कर रहे हैं, एक मैडम है जो उनकी जो है लड़की इंडिया से मेरे को मैसेज की थी और आई थिंक मुझे लगता है हैदराबाद की, उनकी जो है मॉम यहाँ पे हाउस जॉब में थी। तो आपको पता है हाउस जॉब करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कल 2 घंटा किया, आपको वीडियो कल मिलेगा, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगा, देखिएगा कितना मेहनत काम है। मेरे से तो कभी नहीं हो पाएगा और मैंने देखा घर के अंदर का काम। तो वो मैडम परेशान हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है कि एम्बेसी को जो है अप्रोच किया, एम्बेसी में गई। अभी फिलहाल एम्बेसी से उनको 1 महीना हो गया, अभी घर नहीं गए हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि भाई बताइए कि कब तक आ जाएंगी, क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो इसी मैटर पे वीडियो है, तो बता दें आपको। देखिए बहुत सारे लोग जो है ऐसे काम करते हैं भाग करके, क्योंकि यहाँ कपिल अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको मजबूरी है, घर भी नहीं जा सकते हैं, आपको भाग के ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें भाग करके काम करने में एक ही दिक्कत होता है कि आप चोरी से काम करते हैं, जब तक काम करते हैं लेकिन आपको जब जाना होता है तो मुसीबत होता है, झेलना पड़ता है बहुत। इंडिया जाने में टेंशन होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ जाए, किससे मिले, क्योंकि आप कपिल से भागे होते हैं, कंपनी से भागे होते हैं, तो कंपनी में जा नहीं सकते, कपिल के पास जा नहीं सकते, ठीक है। तो क्योंकि वो आप कपिल के पास जाएंगे तो वो सीधा बोलेगा इतने दिन भाग के काम किया, मेरा दखल नहीं है, तू जान, ठीक है। और अच्छा हुआ तो ऐसे बोल देगा, अच्छा होगा तब भी, या फिर अच्छा होगा तो शायद आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। तो अभी कंपनी में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे नियम कानून होता है, जो लोग होते हैं कुवैती, आप भागने के बाद वो क्या करते हैं, आपका जो है पासपोर्ट है वो हुरूफ में डाल देते हैं, यानी एक तरह से आपको जो है कि अपनी जिम्मेदारी छुड़ा लेते हैं, जाकर के पासपोर्ट हुरूफ में डालना उसको बोलते हैं, डाल के बोल देंगे वहां पे, कंप्लेन दे देंगे आपके खिलाफ कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया है, चाहे कंपनी वाले बोलेंगे ये भाग गया है और इसकी जिम्मेदारी मेरी खत्म होती है, इसके साथ कुछ भी होता है तो वो खुद जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं, इस तरह के जो है काम करते हैं सब। तो आपका पासपोर्ट हुरूप में होता है तो आप जो है कि कभी भी जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको बिना पकड़े अब बिना जो है कुछ दिन जेल काटे नहीं जा सकते। अब सवाल आता है कि भाग करके काम करते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे पकड़ के जाना चाहिए। बहुत सारे मेरे को मैसेज कर रहे हैं। देखिए एक ही तरीका है कि आप किसी पुलिस वाले को पकड़िए, कहीं भी रुके हैं सब, आप वहां बोलिए कि मेरे पास कामा नहीं है, जाइए बोलिए मेरे पास कामा नहीं है और मैं बिना कामे के काम कर रहा हूं, आपको ले जाएंगे सब, और ले जाकर के जो है कि सीधे आपको मकतब आमिल को सौंप देंगे, 1 दिन 24 घंटा जेल में रखते हैं सब, उसके बाद आपको फॉरवर्ड कर देंगे मकतब आमिल में। ये सब काम मकतब आमिल से होता है, वहां पे मकतब आमिल आपके ऊपर जो है कि एक कंप्लेन नोट करेगी और चेक करेगी आपके एकामा वगैरह, तो वहां पे उसके बाद वहां से आगे प्रोसेस होगा, फाइनल होगा। तो ये सब 3 स्टेज में होता है, पुलिस, उसके बाद मकतब आमिल, एम्बेसी, ये तीनों मिलके ये काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक आदमी नहीं होता है, हजारों में यहाँ सैकड़ों में आदमी होते हैं और सबका यही प्रॉब्लम होता है। पहले एम्बेसी जो है कि अगर जो आप डायरेक्ट एम्बेसी भी जाते हैं, मान लीजिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं कि आप भाग करके काम कर रहे हैं और मैं घर जाना चाहता हूं, तो आपको सीधे एम्बेसी भी जाना चाहिए। एम्बेसी भी जाएंगे तो एम्बेसी भी वही करेगी, कंप्लेन नोट करके आपको सीधे हैंड ओवर कर देगी मकतब आमिल को, ठीक है, यानी लेबर कोर्ट को, मकतब आमिल उसी को बोलते हैं, लेबर कोर्ट। अब वहां हैंडओवर कर देगी तो उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक भाई थे, उनका वीजा था ड्राइवरी का, लेकिन वो आजाद वीजा के नाम पे आए थे, जहाँ आजाद वीजा है कपिल को, आई थिंक मुझे लगता है कि 3 लाख रुपया इंडिया का 1200 KD दे के आए थे। दे के आने के बाद उनको लगा कि मेरा कपिल पैसा लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी काम कर सकता हूँ। वो वर्कशॉप में काम कर रहे थे, ड्राइविंग का नहीं कर रहे थे, वर्कशॉप में गाड़ी मैकेनिक का काम कर रहे थे। बाद में MOI का चेकिंग चला, पकड़ा गया बंदा, तो पूछा गया तो उन्होंने बता भी दिया हाँ कि मैंने कपिल को पैसा दिया है और ये मैं काम करता हूँ। बाद में उसको जेल हुआ बंदे को, और 1 महीना आई थिंक 17-18 दिन लगा पूरा प्रोसेस, 2-3 जेल में शिफ्ट करते हैं सब, एक नहीं एक जेल में, 2 जेल में 3 शिफ्ट, मतलब पूरा टोटल 1 से 1.5 महीना लगता है कागज वगैरह। अच्छा कुछ इसमें आप पूछते हैं लोग कि भाई जल्दी कैसे जाए, तो जल्दी देखिए जब आपका कंप्लेन वगैरह होता है तो जब मकतब आमिल जाने के बाद वहां पे डिमांड करते हैं सब पैसे का, ठीक है,
150 KD, 120 KD, 140 KD, जितना भी आप कमेंट, कभी 50 KD, तो उसमें क्या होता है, पैसा लेने के बाद जल्दी से जल्दी आपके पैसे से टिकट करके आपको जो है जो फ्लाइट जाने वाली हो उसमें करके भेज देते हैं सब, पैसा जमा करने के बाद। अगर जो पैसा नहीं जमा करते हैं तब भी भेजते हैं सब। बस ये होता है कि उसमें टाइम कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाता है, जब गवर्नमेंट की तरफ से ये टिकट और वो मिलता है तब लोग जाते हैं, और नहीं आप पैसा दे देते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। तो ये दो तरीका है, आप भाग करके काम करते हैं तो आप या तो पुलिस को पकड़िए जाइए, और पुलिस भी आपको वहीं पहुंचाएगी आपको जहां मैं मकतब आमिली पहुंचाएगी, और या फिर जो है आप एम्बेसी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको एम्बेसी जाना चाहिए, पुलिस से अच्छा है, क्योंकि पुलिस आपको पकड़ेगी तो सबसे पहले 24 घंटा 36 घंटा आपको जेल में रखेगी, और वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। और अगर जो आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी जाने के बाद एम्बेसी आपको तुरंत कंप्लेन करके आपको वहीं से फॉरवर्ड कर देगी। एम्बेसी के पास ही जो है कि मकतब आमिल भी होता है, और वो एम्बेसी को पता होता है कहां भेजना है, आपको बता देगी यहां चले जाओ, वहां जाकर के आप जो है वही पेपर लेके जाएंगे तो आपको खुद बंद करेंगे, तो आपको जेल में वो भी डालेंगे और वहां से आपको प्रोसेस होगा, वहां से एक जगह दो जगह, उसके बाद लास्ट में एयरपोर्ट के नजदीक कहीं आपको, यही एयरपोर्ट के नजदीक जो है कि आपको रखा जाता है, और वहां से जैसे आपका टिकट होता है आपको इंडिया भेज दिया जाता है। अब देखिए इसमें टाइमिंग का, कभी कभी टाइम होता है 20 दिन में ही आप घर चले जाते हैं, कभी कभी एक हफ्ते में चले जाते हैं, कभी कभी 2 महीना भी लगता है। तो आप जो लोग बोलते हैं कि टाइम कितना लगेगा, उनको बता दूं इसमें टाइम का कोई कंडीशन नहीं है, 2 महीना से ऊपर भी लग सकता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। क्योंकि एक बंदा गया था तो 2 महीने से उसको ऊपर ज्यादा लग गया, तकरीबन 2 महीना 5 दिन या 7 दिन लगा था। तो आप जा सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आपको अगर जो पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस आपको मारेगी या गाली देगी, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत डांटते हैं बोलते हैं सब, ठीक है, लेकिन आपको मारेंगे नहीं सब, आपको पकड़ने के बाद थोड़ा बहुत डांटेंगे कि क्यों भाग कर काम कर रहा था, ये तेरे को पता है ऐसा है वैसा, डांटेंगे तो आपको सुन लेना है घर जाने के, भाई अब जाना है तो थोड़ा बहुत सुनना ही पड़ेगा, आपको ले जा करके हैंड ओवर कर देंगे सब। लेकिन उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट चले जाइए एम्बेसी। अब लोग सोचते हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत करेंगे आपको पकड़ करके जेल में डालेंगे, और वहां से आपको सारा कागज जब फाइनल हो जाएगा तो फ्लाइट का टिकट देखेगा, आपको बैठा देंगे। अब लास्ट सवाल, जो लोग इतना याद रखिए, जो लोग अगर जो आपका वीजा ड्राइविंग का है, दूसरा काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो तो कंडीशन में आपको जाना ही जाना है, 1 से 1.5 महीना लगता है आपका फिंगर ब्लॉक करके, या फिर आप बाहर भग करके काम करते हैं, एकामा खत्म हो गया, सिविल आईडी खत्म हो गया, तब भी आपको जो है फिंगर ब्लॉक करके ही आपको भेजा जाएगा। ये दोनों तीनों कंडीशन में आपको फिंगर ब्लॉक करके आप दोबारा कुवैत में नहीं आ सकते, उसमें भी कई तरह का कंडीशन होता है। अगर जो आप मान लीजिए आप कपिल से परेशान हैं और आप घर जाना चाहते हैं, 6 महीना साल भर हो गया, या फिर कंपनी से परेशान हैं घर जाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है कि आपको अगर जो कंपनी आपका सपोर्ट करती है, चाहे कपिल सपोर्ट पासपोर्ट दे देता है तो ठीक है, नहीं पासपोर्ट देगा, जब व्हाइट पासपोर्ट बनता है तो इतना याद रखिए कि आपको कुछ सालों के लिए बैन किया जाता है, फिंगर ब्लॉक करके ही भेजा जाता है, 2 साल के लिए, कभी 3 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए। क्योंकि एक बंदा गया था फिंगर ब्लॉक करके, वो जो है कंपनी में था, तो 3 साल बाद आइए, बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि भाई फिंगर ब्लॉक है, 3 साल हो गया, अब पता कैसे करूं कि हट गया कि नहीं हटा, तो वो देखिए कोई पता नहीं कर सकता जब तक आपका जो है कि यहाँ एंट्री नहीं होगी कुवैत में दोबारा। क्योंकि एक बंदा बेचारा वो लिया 3 साल से अधिक हो गया था, उसको फिंगर ब्लॉक करके गए, वीजा भी निकल गया, सब कुछ क्लियर दिख रहा था, फिर वो जब आया एयरपोर्ट पे आया, वीजा वीजा लेकर के सब इंडिया फाइनल करके इंडिया में फ्लाइट हो गई कुवैत एयरपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे जब फिंगर लगाया तो ब्लॉक दिखा रहा था। अब सोचिए उसको 3 महीना कुछ दिन हो गया था, तो बाद में मेरे को मैसेज किया कि नूर भाई कैसे पता करे, तो मैंने भी कई लोगों से पूछा, तो बोले भाई इसका कोई जवाब नहीं है, वो जो जहां से ब्लॉक है वहीं से, तो उसका उतना पावर हम लोगों के पास नहीं है, उतना बड़ा वादा चाहिए, कुवैती चाहे तो पता कर सकते हैं, हम आप नहीं पता कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारा जवाब मिल गया होगा कि टाइमिंग जो है कि महीने दिन से लेकर के 1.5-2 महीने तक लगता है, महीना दिन से ऊपर ही लगता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपका अगर जो कोई जानने वाला, कोई चाहने वाला अगर जो पकड़ा गया है या एम्बेसी के थ्रू आ रहा है, तो घबराने वाली एक भी बात नहीं है, आपको खाना पीना सब मिलता है, और रहने के लिए मिलता है, सोने के लिए मिलता है, सब चीज मिलता है। जैसे आपका फाइनल होगा, कागज वगैरह सब रेडी होगा, टिकट मिलेगा, तो आप कोशिश करिए कि पैसा जो डिमांड करते हैं सब, वो इंडिया से चाहे यहां से अपने पास से चाहे दोस्त से बोल के उसको सबमिट करवा दीजिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी टिकट हो जाए। तो आई होप आप सभी का जवाब मिल गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय बाय।